बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे पूरी दुनिया को पता है, पूरा पाकिस्तान को पता है, और आज खुद वजीर आजम, स्पीकर, बाकी सब ने देख लिया कि ऑपोजिशन का तादाद मुकम्मल था। हमारे पास अक्सरियत है कि हम वजीर आजम को अदम एतमाद में शिकस्त दिलवाए। आज ये नजर आते हुए आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आइनी काम किया है। पाकिस्तान का आइन तोड़वाया गया है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ने का सजा वाज़े है। अदम एतमाद का वोटिंग आज ही होना है आइन के मुताबिक। यूनाइटेड ऑपोजिशन ने यह फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में धरना देंगे जब तक हमारा आइनी हक ना दिया जाए, और हम अपना लॉयर से इस वक्त आज ही अभी अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए। अदम एतमाद वजीर आजम साहब के खिलाफ जमा हो चुका है, वो पार्लियामान को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता है, अदम एतमाद का मुकाबला करना पड़ेगा। स्पीकर साहब अगर ये सोच रहा है कि वो हाउस प्रोग भी कर सकता है, हमने स्पीकर साहब के खिलाफ भी अदम एतमाद जमा करके ये ऑप्शन भी उनसे छीना है। वाहिद रास्ता जो आईनी और जमहूरी रास्ता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है कि हमारा आज ही अदम एतमाद का वोट होगा। ये बचकाना हरकत, ये मैदान से भागना इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर चुका है। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि आप आइन के साथ थे, जमहूरियत के साथ थे, एंड हम किसी कठपुतली को, किसी गैर जमहूरी शख्स को आपके हक पे डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे। खान साहब ये झूठा बैरून अक्वामी साजिश करा के वजीर आजम के इलेक्शन से भाग रहा है, अदम एतमाद से भाग रहा है। इंशाल्लाह ताला